नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित, 12,336 अभ्यर्थी हुए पास। जी, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 3 जुलाई को हुई लिखित परीक्षा में 69,405 अभ्यर्थी उपस्थित हुई थी। आपको बता दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के नियमानुसार चेकिंग करने के बाद आज लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जनवरी 2022 से मिलेगा 1400 अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ। जी हाँ, बिजली बोर्ड में कार्यरत करीब 1400 अनुबंध कर्मियों को 1 जनवरी 2022 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। 3500 जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर का पदनाम बदलकर टीममेट और हेल्पर करने पर भी सहमति बन गई है। आपको बता दें कि 86 कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन कम किए जाने के फैसले को भी वापस लेते हुए पुराना वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही इन मांगों के पूरा होने पर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने 11 जुलाई से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को टाल दिया है। हिमाचल को आपदा राहत के लिए 171.20 करोड़ मिले। जी हां, केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आपदा राहत के लिए 171.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड की पहली किस्त के रूप में जारी किया है। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिया गया है। 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान के लिए 810.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसमें नागालैंड को 17.20 और राजस्थान के लिए 622.40 करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ है। शराब का अवैध कारोबार रोकने वाले अफसर का तबादला, 7 ठेकों को किया था सील। जी हां, शराब के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने वाले एक उच्च अधिकारी का प्रदेश सरकार ने हमीरपुर से शिमला तबादला कर दिया है। 2.5 साल में इस अधिकारी के 2 बार तबादले हो चुके हैं। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विशाल बोरला ने 29 अप्रैल 2021 को हमीरपुर में ज्वाइन किया था। इससे पूर्व उन्होंने मंडी जिले में भी महज 1.25 साल ही सेवाएं दी थी। इस साल जनवरी माह में मंडी जिले में जहरीली शराब के सेवन से 0.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई। हमीरपुर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित पनियाला गांव में शराब की अवैध फैक्ट्री का SIT ने भंडाफोड़ किया था। इस मामले से दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही कारोबारियों की संपत्ति तक सीज हुई थी। एम्स बिलासपुर में विदेशों से पहुंचे उपकरण, MRI मशीन स्थापित। जी, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का कार्य प्रगति पर है। एम्स अस्पताल के लिए विदेशों से मशीनरी भी पहुंच चुकी है। इनमें कुछ उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें MRI मशीन, इनेस्थेसिया वर्क स्टेशन, 4D कलर डॉपलर, एक्सरे मशीन शामिल है। अन्य स्वास्थ्य उपकरण भी लगभग एम्स के स्टोर में पहुंच चुके हैं। संस्थान की IPD का लोकार्पण जून के अंत तक प्रस्तावित था, लेकिन अस्पताल भवन का कार्य और स्वास्थ्य उपकरण स्थापित करने में अभी और समय लगेगा। 11 स्कूल प्रयोगशाला परिचारकों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, इंक्रीमेंट रुकेगी। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 11 प्रयोगशाला परिचारकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इन पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चयन के बावजूद शामिल नहीं होने का आरोप है। SCERT सोलन की रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला उपनिदेशक सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर को कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही इन प्रयोगशाला परिचारकों की सर्विस बुक में इस कार्रवाई का उल्लेख करने और इनकी वार्षिक इंक्रीमेंट को भी रोकने को कहा गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग ने मांगे दस्तावेज। जी हां, शिक्षा विभाग ने स्कूलों से केंद्र सरकार की ओर से संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 11वीं-12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। विभाग ने स्कूल प्रमुखों से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, बीते वर्ष की वार्षिक मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, एडमिशन नंबर सहित अन्य दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ऊना में गरजे NPS कर्मचारी, आधा घंटा NH जाम। जी हां, ऊना जिला मुख्यालय में NPS कर्मचारियों ने रविवार को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पेंशन संकल्प रैली निकाली। रैली नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष विजय इंदौरिया के नेतृत्व में निकाली गई। इसमें जिले भर के लगभग 2500 NPS कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान NH आधा घंटे जाम रहा। उद्योग लगाने के लिए हिमाचल सरकार ने दी 80 सेवाएं की गारंटी। जी, हिमाचल सरकार ने राज्य में उद्योगों को लगाने या औद्योगिक गतिविधियों के लिए 80 सेवाओं की गारंटी दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 80 सेवाओं को अपनी एक ही वेबसाइट पर दर्शाया है। पानी का कनेक्शन लेने से लेकर जमीन की पैमाइश की अवधि तक इसके लिए तय है।
जो विभाग तय अवधि में ये सेवाएं नहीं देगा उसके खिलाफ पहले विभाग में तय अधिकारी और उसके बाद राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकेगी। 4 दिन का येलो अलर्ट, खराब रहेगा मौसम, नदी नाले भी उफान पर। जी, हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में बरसात में हुई भारी बारिश से 34 सड़कें बंद रहीं, बिजली के 13 ट्रांसफार्मर और पानी की 69 योजनाएं भी प्रभावित रहीं। प्रदेश में नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। रविवार को जहां ऑरेंज अलर्ट था, वहीं आगामी 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले दिनों मौसम खराब ही रहेगा। 13 जुलाई तक श्रद्धालुओं के मनी महेश यात्रा पर जाने पर रोक। जी, हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम को देखते हुए जिला चंबा प्रशासन ने 13 जुलाई तक मनी महेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते मनी महेश के बीच धंचों के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, रास्ते भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने इनकी मरम्मत करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। 13 जुलाई को लद्दाख जाएंगे तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, फिर भड़क सकता है चीन। जी, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए 15 जुलाई को लद्दाख पहुंचेंगे। लंबे समय बाद अपने धर्म गुरु को अपने बीच देखने के लिए लद्दाख में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों में खासा उत्साह है। आपको बता दें कि दलाई लामा के लद्दाख दौरे से एक बार फिर चीन की दुखती रग दबेगी। जमीन दोज भवन के मलबे से निकला 24 लाख रुपये केस और ATM। जी, जिला शिमला के चौपाल में बीते दिन जमीन दोज हुए 4 मंजिला भवन के मलबे से दबे लॉकर और ATM से बैंक प्रबंधन ने 24 लाख रुपये निकाल लिए हैं। आपको बता दें कि यूको बैंक के DGM की उपस्थिति में अब मलबे के ढेर से मजदूरों की सहायता से जरूरी दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। इंजीनियरिंग के छात्र ने पेट्रोल छिड़क खुद को आग लगा की आत्महत्या। जी, सोलन जिला मुख्यालय में रविवार दोपहर माल रोड के पास चिल्ड्रेन पार्क के शौचालय में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक को चिल्लाने की आवाज और पार्क में धुआं उठते देखकर वहां लोग पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। संत रामपाल के समर्थकों ने बांटे देवताओं पर विवादित पत्रक, हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस में शिकायत दर्ज। जी, कई साल से जेल में बंद संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा रविवार को दोपहर जिला मुख्यालय पर आपत्तिजनक पत्रक बांटे जाने के चलते बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे। गनीमत रही कि इस मामले को लेकर बीच सड़क किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इन सभी लोगों को सिटी चौकी पहुंचा दिया और वहां पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत भी सौंपी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।